हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में मैं आप सभी को सिखाऊंगा कैसे आप अपने लाइव चैट पे स्ट्रीम लैब्स को ऐड कर सकते हो। तो स्ट्रीम लैब्स को ऐड करने के लिए जो जो स्टेप्स हैं, जो जो सारी सेटिंग्स हैं, वो सारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखना, ठीक है। एंड तक देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा, तो पूरा एंड तक ज़रूर देखना। और अगर चैनल पर न्यू हो तो यार प्लीज़ यार सब्सक्राइब करके जाना। और इस वीडियो पे हम लाइक हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, 20 रखते हैं। तो 20 लाइक एंड प्लीज़ कंप्लीट करवा देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, ताकि जो भी आपके दोस्त जो स्ट्रीमिंग करते हैं और उनको इन चीज़ों में दिक्कत आती है, तो उनको शेयर करो ये वीडियो, ताकि उनको भी मदद मिले, ठीक है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। हम लोग बताता हूँ मैं आज तुम्हें कि कैसे हम स्ट्रीम लैब को अपने लाइव चैट पर ऐड कर सकते हैं, ओके। तो सबसे पहले तो आपको एक फ्रेश पेज खोल लेना है अपना गूगल का। गूगल पे जाके और आपको यहाँ पे टाइप करना है स्ट्रीम लैब्स, सिंपल स्ट्रीम लैब्स, ओके। स्ट्रीम लैब्स जैसे आप सर्च करो ना स्ट्रीम लैब्स की, आपको ऑफिशियल वेबसाइट सामने शो होने लग जाएगी। तो आपको सिंपली वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ गाइस, सेम टू सेम वैसे ही करना, वरना बहुत ही बार है फिर बाद में लोग आपकी यार नहीं हो रहा ये वो। तो आप प्लीज़ यार पूरा देखना, कोई स्किप वगैरह मत करना गाइस। उसके बाद आपके पास ये वाला इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे आपको लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, यहाँ पर लॉगिन का बटन दिखेगा। आपको इस लॉगिन बटन पर क्लिक करना है। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, अगर आपका जो है मोबाइल पे अगर ये चीज़ खोल ले हो, तो आपको सबसे पहले इसको डेस्कटॉप मोड पे लाना पड़ेगा। तो उसको सबसे पहले आप डेस्कटॉप मोड पे ले आओ, ताकि आपको इजी हो ये चीज़ें करने में। तो यहाँ पे आपको लॉगिन का बटन दिख रहा होगा, तो आपको सिंपली वहाँ लॉगिन का बटन है उसको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आपको दिखेंगे, तो हमको पता ही है किससे करना है, यूट्यूब से करना है अपने। और आपको वो वाला अकाउंट सिलेक्ट करना है, वो वाला अकाउंट जोन सा अकाउंट में आपको स्ट्रीम लैब्स ऐड करना है, ठीक है। तो मेरे को अपना क्रिजे गेमिंग जो है मेरा उस पर करना है, तो मैं आपको उसको उस पर करके दिखाता हूँ। देखो अपने चैनल को सिलेक्ट करो, जिस भी चैनल पे आपको ये जो है करना है ऐड करना है। तो मैंने यहाँ देखो मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे, ठीक है गाइस। और यहाँ पे आप देख सकते हो आपका भी ऐसे कुछ डैशबोर्ड शो करेगा यहाँ पे, और यहाँ पे आपके शो होंगे जितने भी सब्सक्राइबर्स है वगैरह, ये सब सारे अनाउंसमेंट वगैरह, ये अलर्ट्स। यहाँ से भी आप अलर्ट बॉक्स भी यहाँ पे आप लगा सकते हो। इसके बारे में वीडियो में बना दूंगा, आज मैं उसके बारे में वीडियो नहीं बना रहा। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चैनल के बारे में बताने जा रहा हूँ। प्रो मिथानो नाम है इस चैनल का, और इसमें 13 सब्सक्राइबर्स हैं। और ये बंदा जो है लाइव स्ट्रीमिंग करता है, और आज इसने वीडियो भी डाली है BGMI PDM वेयरहाउस। तो आप जाके इसको चेकआउट कर सकते हो, और आपको अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा देना। और बाकी ये बंदा अगर लाइव स्ट्रीमिंग करता है, तो इसको गाइस जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हो करो, और 50 सब्सक्राइबर करवा सकते हो तो गाइस करवा दो उसके 50 सब्सक्राइबर, ओके। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपका चैनल भी रिव्यू करूँ और आपके चैनल को भी अपने अगले वीडियो में शो करूँ, तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सबसे पहले तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरी लाइव स्ट्रीमिंग में आओ। 12 बजे से लाइव स्ट्रीमिंग करता हूँ मैं रोज़ दिन में, तो आप मेरी लाइव स्ट्रीम में आओ, मैं वहाँ पे आपको सारी चीज़ें वहाँ पे बता दूँ। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में आपको मैं ये बताऊँगा कि आप लॉयल्टी सिस्टम कैसे करते हैं, पॉइंट सिस्टम, जिसको पॉइंट सिस्टम भी बोलते हैं ऐसे में। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूँ कैसे हम वो चीज़ ऐड कर सकते हैं अपने चैट पे, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आओगे तो यहाँ पे आपको ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फिफ्थ नंबर पे आपको क्लाइड बॉट ऑप्शन मिल जाएगा। आपको मोबाइल में डेस्कटॉप मोड, मैं बार बार कह रहा हूँ, मोबाइल में डेस्कटॉप मोड ऑन करना पड़ेगा, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले ये डेस्कटॉप मोड कर लेना है अपने मोबाइल को। उसके बाद ये आपको यहाँ पे क्लाउड बोट यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। तो इस पर आपको आना है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक नोटिस सा दिया हुआ है, आई बटन। यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा है डोंट फॉरगेट टू मोड स्ट्रीम लैब बाय गोइंग टू योर यूट्यूब स्टूडियो
सेटिंग कम्युनिटी टैब में जाके, और ये जो मेरे पास ये जो लिंक पड़ा है ना, ये लिंक जैसे मेरे पास ये वाला लिंक पड़ा हुआ है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके और वहाँ पेस्ट करूँगा। तो उससे क्या होगा, अब कहाँ पेस्ट करना है वो भी मैं बता देता हूँ। देखो जैसे सबसे पहले आपको करना क्या है, यहाँ पे ये सब मैं सेटिंग्स अभी बता दूँगा, पहले आपको यहाँ आके इसको यहाँ पे कॉपी करना है, ठीक है। यहाँ से ये लो, ये इसको कॉपी करो, ठीक है। उसके बाद पे न्यू टैब खोल के अपना जो भी चैनल है, अपने चैनल की सेटिंग में जाओ, यूट्यूब स्टूडियो में, ठीक है। यूट्यूब स्टूडियो में यहाँ पे आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे आपको सेटिंग का बढ़ जाएगा। इस सेटिंग में जाके यहाँ पे आपको कम्युनिटी का बटन टैब दिखेगा। अगर आपको समझ में ना आए तो थोड़ा पीछे पीछे करके देख लेना, अगर ना पता चले कि क्या है तो, ठीक है। यहाँ पे आ रहा है कम्युनिटी टैब पे आ रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली जो भी कॉपी किया था आपने, यहाँ पे ऐसे करके पेस्ट करना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो यह मेरे पे कहा गया, मेरा स्ट्रीमलेस पहले से हो रखा था, तो मैंने स्ट्रीमलेस पहले हटाया। उसके बाद देखो मैंने ये करा, अभी देखो यहाँ पे आएगा, देखो यहाँ पे मैंने जैसे ये लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करा। उसके बाद यहाँ नीचे आपको भी जैसे मेरे पे आ गया स्ट्रीमलेस, तो इस ये ऑप्शन आ गया, तो आपके में भी ये ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। तो आपको उस पर क्लिक कर देना, जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका जो है ना स्ट्रीमलेस आपके मॉडरेटर्स में, जितने भी आपके मॉडरेटर्स हैं उसमें आपका स्ट्रीमलेस भी ऐड हो जाएगा, ठीक है। सेव का बटन देखा तो आपको यहाँ पे इसको जो है ना सेव कर लेना। जस्ट ये सेव करने के बाद आपको ना यहाँ स्टूडियो का काम आपका हो चुका है, यूट्यूब स्टूडियो का काम। आप इस यूट्यूब स्टूडियो वाला टैब को ना यहाँ पर क्लोज़ कर सकते हो। उसके बाद आपको वापस से आना है अपने स्ट्रीमलैब्स में आके, और स्ट्रीमलैब्स में आपको मैं सेटिंग्स दिखा देता हूँ। क्लाइडबोर्ड पे जाओ, क्लाइडबोर्ड के जाने के बाद यहाँ पे आओ, यहाँ पे ये कुछ वो है प्रोटेक्शंस वगैरह, तो आप मर्जी आपको लगाना नहीं लगाना। कैप्स का सिंबल का तो मैंने सारे ऑफ कर रखे हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए, वरना ये वो दे देता है, क्या बोलते हैं, टाइम आउट दे देता है, इसलिए। चैट अलर्ट्स, यहाँ पे आके मॉडल्स जो है ना, यहाँ पे आके आपको जो 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 मेरी सेटिंग्स है ना वो सीधे कॉपी कर लेनी है आपको। ये सारी जितने भी सेटिंग्स है सारी चीज़ें कॉपी कर लेना आपको। उसके बाद यहाँ पे कमांड्स का ऑप्शन है, कमांड्स में आओ और मैंने जो जो मैंने डाल रखा है वो डाल सकते हो। जैसे मैंने अपना कमांड डाल रखा है, कमांड योर नेम, अगर कोई बोलता है योर नेम देन ये अपने आप रिप्लाई कर देगा कि माई नेम इज़ विजय कुमार, या बाय तो गुड बाय यूज़र, और ये सब मैंने नाइटबोर्ड का भी बताया था, तो उसमें भी मैंने बताया था। तो आप वो चीज़ें ना इससे भी कर सकते हो, तो वो चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हो। आप जो भी कमांड डालना है वो कमांड डाल के, जैसे मैं एक कमांड दिखा देता हूँ, जैसे बाय वाला कमांड है ना अपना, इसको एडिट करते हैं, एडिट का बटन है, वैसे बाय यहाँ पे कमांड डाला हमने बाय, और रिस्पॉन्स में गुड बाय यूज़र नेम, यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे ब्रैकेट डॉट सी यू अगेन, ऐसे करके आप कुछ भी डाल सकते हो। जैसे मैंने ये डाल रखा तो आप लोग भी ऐसा डाल सकते हो, यहाँ से ऐसे करके सेव कर लो। उसके बाद यहाँ टाइमर देखने को मिल रहा है आपको, टाइमर, तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने ऐड तो कर रखा बट पता नहीं आता नहीं, वेलकम डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, हाँ आता है ये वाला, आता है ना अभी, ये भी आता है, ये दोनों ही आते हैं, ठीक है। और इसके जो सेटिंग्स दिखा देते हैं एक बार, इंटरवल 5 सेकंड का, और लाइन मिनिमम ये 4, ये चीज़ आप कर सकते हो आप टाइम टू टाइम अगर कुछ लगाना चाहते हो तो। जैसे मेरे टाइम टू टाइम कुछ ना कुछ बोलता रहे, जैसे 20 लाइक हो गया, या फिर ये मेरी ये वाली वीडियो है इसको आके क्लिक कर दो, ऐसे करके आप लगा सकते हैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद मैं आपको लॉयल्टी सिस्टम दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे आगे में लॉयल्टी सिस्टम दिखेगा, लॉयल्टी सिस्टम वही होता है जो पॉइंट्स की बात मैंने की थी, वही पॉइंट्स, उसी को लॉयल्टी सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पॉइंट्स वगैरह जो जितने भी होते हैं, तो आपको जैसे आप लॉयल्टी टैब पे जाओगे ना, यहाँ पे आपको सारे बंदे दिख जाएंगे जिस किन किन के कितने कितने पॉइंट्स वगैरह हैं। तो यहाँ आप देख सकते हो हर्षित कुमार 5 पॉइंट्स, बेबी करके हैं उसका 5 पॉइंट है, गणेश गेमर्स 5 पॉइंट, ऐसे करके बहुत सारे बंदे हैं मेरे पे। पेजेस आप देख सकते हो, 2 पेज, 3 पेज,
जब ये आप इनेबल करोगे ना, तो उसके बाद आपको ये सारे चीज़ें शो आने लगेंगे आपकी स्ट्रीम पे, जितने लोग आएंगे और जितनी देर देखेंगे उस हिसाब से आप उनको जो है आप दे सकते हो। उसके अब इसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग, इसकी सेटिंग्स भी आपको कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर ये चीज़ ना आपकी डिसेबल रहेगी लॉयल्टी सिस्टम, उसको आपको इनेबल करना है। और मैंने लॉयल्टी लॉयल्टी नेम मैंने यहाँ पे देख सकते हो आप कॉइन लिखा हुआ है, तो आप भी मर्जी आपकी जो मर्जी लिख सकते हो। उसके बाद मैंने इंटरवल यहाँ पे देख सकते हो, एक मिनट में कितने कॉइन्स मिलेंगे मैंने वो डाल रखा है 5, तो आप उसको बढ़ा सकते हो, वो आपकी मर्जी है। कोई बंदा आपकी स्ट्रीम पे 5 मिनट रुकेगा तो 5 मिनट पे उसको 5 पॉइंट मिलेगा, ठीक है, ऐसा करके आप डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप डोनेशन का भी डाल सकते हो, कोई बंदा सुपर चैट करेगा तो उसको भी, जैसे मैं यहाँ पे एक सुपर चैट पे 100 कर दे 1000 कर दूंगा, तो कोई बंदा अगर मुझे एक सुपर चैट करेगा तो उसको 1000 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, ऐसे करके। और कोई मेंबर बनेगा तो, या फिर सब्सक्राइब कोई करेगा तो, जैसे कोई मैंने कर रखा है कोई सब्सक्राइब करेगा तो उसको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, ऐसे करके मैंने ये सब ऐड कर रखा है। तो वो आप भी ऐड कर सकते हो, वो सब आपके ऊपर है कितना ऐड करना है नहीं करना। उसके बाद वो सब ये सारी सेटिंग्स करने के बाद आपको यहाँ पर सेव दबाना है, सेव का बटन यहाँ पर सेव कर दो, अपना सारी सेटिंग्स कर लो, उसके बाद सेव कर लो। और यहाँ पे आके अब देख सकते हो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब जैसे होता है कि भाई हम सारी चीज़ गड़बड़ हो गई है, या फिर अब मैं दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, सबके पॉइंट ज़ीरो करना है, तो यहाँ पे देख सकते हो आप रीसेट लॉयल्टी डेटाबेस, यहाँ पे ऑप्शन है, उसको क्लिक करके आप सबका रीसेट कर दोगे तो सबके जितने भी पॉइंट्स होंगे ना सब ज़ीरो हो जाएंगे, ठीक है। यही था यहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें लॉयल्टी सिस्टम में ऐसे करते हैं, लॉयल्टी पॉइंट सिस्टम जितने भी होता है ना वो सब ऐसे किया जाता है। तो आप लोग जिसको भी करना हो ये सब पॉइंट्स वगैरह अपने चैट पे ऐड करना हो तो आप यहाँ से ऐसे करके कर सकते हो। तो गाइस कैसी लगी वीडियो और मेरे को बताना ज़रूर कमेंट में, और आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी वो भी मेरे को बताना। और इससे रिलेटेड, स्ट्रीमलैब्स से रिलेटेड और कुछ भी क्वेरी वगैरह हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप, डिस्क्रिप्शन में आप पूछ सकते हो। और मेरा इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, वो वहाँ से जाके मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो गाइस। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।